इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर जल्द ही नया वीआईपी लॉन्ज बनेगा। इससे अब यात्रियों की परेशानी कम होगी। यह लॉन्ज पुराने टर्मिनल भवन के स्थान पर बनेगा। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के काम को भी गति मिलेगी। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से 10 फरवरी को मिलकर पुराने टर्मिनल भवन में वीआईपी लॉन्च, मीटिंग रूम, एंट्री, वेटिंग, लॉबी के निर्माण एवं नए एयरपोर्ट के काम को गति देने का अनुरोध किया था। सांसद द्वारा उठाई गई इन मांगों को सिंधिया ने प्राथमिकता पर रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 15 फरवरी को हुई बोर्ड बैठक में रखा था, जिसे स्वीकृति दे दी गई।